ऐश्वर्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा मैनिफेस्टो। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है 2017 विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत अहम रहता है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं क्या वाकई वो मैनिफेस्टो में शामिल होते हैं? तो इस बार हम आपको लेकर चलेंगे कि आखिर जनता के वो कौन से मुद्दे हैं जो वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। हम इस वक्त उधम सिंह नगर जिले में मौजूद हैं, जहाँ की रुद्रपुर विधानसभा सीट के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं जो मेरा मैनिफेस्टो में वो शामिल करना चाहते हैं। तो आइए चलते अपने इस सफर में, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके क्या क्या मुद्दे हैं जो वो इस साल अपने मैनिफेस्टो में लाना चाहते हैं। आप क्या चाहती है कि आपके घोषणा पत्र कैसा हो जो राजनीति पर जिसके दम पर आप उन्हें वोट दें? जैसे सरकार हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं जो दी गई हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो बैंक हो, बिजली हो या कुछ भी हो, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। हम चाहते हैं कि वो हर तरह से, जैसे भी हम चाहें, हमें परेशान ना करें, यहाँ दौड़ाते वहाँ दौड़ाते, ये कागज वो कागज, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं ये सब ना करते हुए हमारे काम को सरकार, पानी बिजली हो या जैसे हमारी और सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारे यहाँ नाली की सुविधा, ये सब की बहुत ही परेशानी है, तो आप इसको अगर सही करने, राशन कार्ड जो अभी तक बहुत लोगों का नहीं बन पाया है वो सब जो है अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छा। मूलभूत सुविधाओं को की बात करें तो वो ज़रूरी है कि वो शामिल करें। बहुत सारे वादे होते हैं, वादे पूरे होते हैं कि नहीं, ये जनता से ही सीधे जाना जा सकता है। तो आप बताइए कि कितने वादे पूरे हुए हैं और अब क्या आप चाहते हैं? मैम, बहुत सी सुविधाएं जो हम लोगों तक नहीं पहुंचती है। बैंक की इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आती हैं, जो महिलाएं समूह में काम करना चाहती है वो जाती हैं, कोई भी काम करे तो प्रोसेस इतना हैवी बता देते हैं जो महिलाएं समझती भी नहीं है और उनको ठीक से वो लोग समझाते भी नहीं है। पहले आप ये करके आइए, कोटेशन लेके आइए, कोटेशन पास करवाइए, उसके बाद आपका काम होगा, इस तरीके से बहुत टाल मटोल करते हैं। मैडम, आज बैंक का ये प्रोग्राम हो रहा है हमारे यहाँ, जिसके कारण हमें तो सब चीज़ समझाना चाहिए, वो चीज़ें कायदे से समझाएंगे उसी तरीके से वोट तभी दिया जा सकता है ना। पब्लिक को आप डायरेक्ट सुविधा पहुंचा रहे हैं। मोदी जी ने जो प्रोग्राम चलाया बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा चलाया है, इससे पब्लिक को बहुत ही सुविधा होगी। पर मैडम, यहाँ है कि बीच में जो लोग रहते हैं वो लोग हम लोगों तक को मूल सुविधाएं नहीं आने देते हैं और हम लोग परेशान होते हैं, आपस में ब्याज दरें ले लेके हम लोग इतने हैवी से काम करते हैं जिससे परेशान होती है। जितने भी हाई क्लास लोग हैं उनके पास व्हाइट कार्ड है और येलो कार्ड है जितने गरीब लोगों के पास, जो कि गरीब लोगों के लिए ही व्हाइट कार्ड अलाउ हुआ है। फिर महिलाओं को कोई भी हेल्प नहीं मिलता, प्रशासनिक हेल्प तो बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ महिलाओं का इतना बुरी तरीके से शोषण होता है। हमारे साथ 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जो शोषित हैं। हम लोग SSP तक जा चुके, DM तक जा चुके हैं। मैडम, कोई भी हेल्प नहीं मिलती, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नेताओं के पास भी सुनवाई नहीं होती, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही कि लोगों तक जो योजनाएं बन तो जाती है लेकिन वो पहुंचती नहीं है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या इश्यूज हैं। घोषणा पत्र जब अभी जारी होगा चुनाव से पहले, तो उन घोषणा पत्र में क्या कुछ मुद्दे शामिल हो आपकी तरफ से, जनता का क्या मुद्दा है? जनता का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे अधिकारी का बच्चा हो या नेता का बच्चा हो, एक समान उसकी फीस होनी चाहिए, एक समान स्कूल होना चाहिए, वो सब बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा अधिकार मिलना चाहिए और उसके उपरांत उसकी रोजगार गारंटी होनी चाहिए और कैशलेस का पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो कैशलेस के सपोर्ट में लोग हैं यहाँ पे। नोटबंदी के बाद भी बहुत सारे और अलग मुद्दे भी अब पैदा हो गए हैं लोगों के पास। पहले सिर्फ बिजली, पानी, सड़क तक जो मुद्दे सीमित थे, अब वो मुद्दे नोटबंदी के बाद से बैंकों पर काफी आधारित हो गए हैं कि बैंकों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं और लोगों तक चीजें सही तरीके से पहुंचे। इंफॉर्मेशन जो है वो शायद कहीं ना बीच में छूट जाती है अधिकारियों के बीच और नेताओं के बीच, वो नेता और जो लोगों का संपर्क है वो डायरेक्ट नहीं हो पाता। तो रुद्रपुर में किस तरह का माहौल है और रुद्रपुर में किस तरह के जो आपके लोकल मुद्दे हैं वो कहाँ तक सीमित रह जाते हैं? रुद्रपुर में यहाँ पर क्योंकि औद्योगिक नगरी है, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं और नए सिरे से यहाँ पर सभी नेता लगे रहते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, और जो नहीं करेगा उसको जनता चुनाव में जवाब देगी, और जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसको निश्चित रूप से सर्वप्रथम जनता का ही काम करना चाहिए। जो हमारी बाहर से जनता आई है उसका भी सम्मान करना चाहिए, यहाँ लोकल रहने वाले हैं उसका सम्मान करना चाहिए और सबको आधारभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए। बिजली पानी की यहाँ कैसी क्या समस्या है, कुछ क्या है? देखिए, कुछ समय से लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे सुबह बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो नहाने धोने की परेशानी बढ़ जाती है जब पानी नहीं होता है, और सुबह 5-6 बजे जो है विद्युत काट दी जाती है और उसके बाद शाम तक कई दिन हम बराबर देख रहे हैं कॉलोनियों में हमारी लाइट गायब रहती है।
अनेक परेशानियां रहती हैं। इसके अतिरिक्त तो जो मुख्य मुद्दा है वो है इस जो शहर का औद्योगिकरण हुआ है उसके बाद यहाँ अपराध भी बढ़ा है तेजी से, क्योंकि बराबर से यूपी के जिले लगे हुए हैं। इसके अलावा अपराधी अपराध करते हैं और चले जाते हैं, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी मूक दशा बना बैठा रहता है। ऐसा है कि घोषणा पत्र तो बनते हैं लेकिन उन घोषणा पत्रों पर अमल नहीं होता है। अभी लगातार यहाँ पर 5 साल होने जा रहे हैं, यहाँ पर राज्य में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कोई भी मुझे लगता नहीं इन्होंने अपना घोषणा पत्र पूर्ण किया है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर बेरोजगार नौजवान पलायन को मजबूर है, यहाँ से बेरोजगार यहाँ से जॉब करने के लिए दिल्ली, नोएडा और बाहर जा रहे हैं, उत्तरांचल को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब उत्तरांचल राज्य बना तो एक लोगों का सपना था कि उत्तरांचल राज्य बनेगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ पर लोगों को सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद स्थिति ऐसी है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और सुरक्षा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। आए दिन यहाँ चोर अपने लूट डकैती करते रहते हैं, खनन माफिया यहाँ पर हावी हैं, यहाँ के जो धरती है उस देवभूमि को सीना चीर चीर के यहाँ पर खनन माफियाओं ने यहाँ पर पूरी नदियों को छेद कर दिया है, यहाँ के जंगलों को काट के यहाँ के करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसे नाश कर दिया है। और आज भी आम जनमानस अभी राशन कार्ड की लड़ाई लड़ रहा है, आम जनमानस रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन इन 5 सालों में आम जनता के लिए ऐसी कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई। आपकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं? मैम मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जब तक उत्तराखंड के कांग्रेस की सरकार है और झूठे जो वादा करके चले जाते हैं, आम जनता गरीब जनता इतना बूढ़ी माँ देख रहे हो आप कितनी बूढ़ी है, करीब 70-75 साल का उम्र की है, वो यहाँ अच्छे अच्छे जगह जाके जानकारी लेने के लिए जाते हैं। और माननीय हरीश रावत जी बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 5 साल तक उनकी सरकार था, आज 2 महीना रह गया चुनाव के, आप गरीब जनता को आप झूठे वादा कर रहे हो, झूठे घोषणा कर रहे हो कि आपको मकान देंगे, किस बात का मकान देंगे, आप इतनी देर तक सो रहे थे है? 4 साल तक आपने जनता को लूटपाट किया, जनता के साथ धोखाधड़ी किया, और आज आपने जनता को 2 महीना रह गया, जनता को बोल रहे हो कि मकान देंगे, कौन सी मकान दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ हरीश रावत जी से और हरीश रावत जी के सरकार से जानना चाहता हूँ जी, वो सामने आ जाए और एक एक जनता को, गरीब जनता को समझाए कि इस तरीके से मैं मकान दूंगा तो मैं अगर ये वादा पूरा कर दिया जो कुर्बानी चाहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हरीश रावत की सरकार झूठा सरकार है, झूठे घोषणा देता है। रुद्रपुर विधानसभा सीट के लोगों से हमने बात करी, उनका ये मानना है कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको रूबरू करा जाए, राशन कार्ड की जो समस्या है उसको खत्म करें। लोगों के पास राशन कार्ड है, उनको पीला राशन कार्ड है लेकिन उनके पास सफेद राशन कार्ड नहीं है, जिसके बाद उनको वो राशन कार्ड मिलवाए और इसके साथ ही उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए। तो ये तो बात करी हमने आम जनता से, इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ के ट्रांजिट कैंप में, जहाँ पर लोग बस्तियों में बसे हुए, उनकी क्या समस्या है, उनको कितनी दिक्कतें आ रही है, उनके साथ क्या क्या मुश्किलें हैं और वो क्या चाहते हैं इस बार अपने सरकार से, अपनी घोषणा पत्र में शामिल करने की राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, हम जानेंगे इसके बाद। जो पार्टियों का मैनिफेस्टो जारी होता है, घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे शामिल होने चाहिए रुद्रपुर विधानसभा सीट के लिए? मैं तो जो भी पार्टियां हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि यहाँ मलिन बस्तियां हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मलिन बस्ती गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि मलिन बस्ती में जो लोग रह रहे हैं लगभग 30-30 साल से रह रहे हैं, उनका मालिकाना हक नहीं है। मैं चाहूँगा उनके मकानों का मालिकाना हक मिले, सारे मकानों में हाउस टैक्स लगाया जाए, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके जो है बच्चे वालिंग हो गए मगर वो छोड़ के चले गए कहीं और, बुज़ुर्ग लोग जो है उनको आज दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, सरकार से उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये लोग जब मैनिफेस्टो में ये जोड़े कि जो भी 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग महिला होगी उनको, हम जब महिला हो या पुरुष हो जो 60 साल से बुजुर्ग होंगे उनको, एक तो जो है उनको पेंशन लागू कराया जाए, ऊपर से जो ये बुज़ुर्ग लोग कहीं भी जाए बस में या ट्रेन में उनका किराया माफ़ होना चाहिए, ये मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा। और बाकी जो सड़कों का जो हाल है यहाँ पे, क्योंकि सड़कें जो है इसमें एक नियम बांध देने चाहिए, जैसे अभी मोदी जी ने रखा उन्होंने कि विद्युतीकरण के लिए 90% जो है केंद्र सरकार दे रहा है, 10% जो है राज्य सरकार दे रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी इसी तर्ज में सड़कें बनना चाहिए, क्योंकि मलिन बस्तियाँ, सड़कें कच्ची है, लोग इस बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती है, इन सड़कों के लिए भी एक जो है इनका एक मैनिफेस्टो में होना चाहिए, ताकि कम से कम 90% जो है केंद्र सरकार दो और 10% राज्य सरकार की नीति से बने और सड़कों का जाल बिछे यहाँ पे, यही मैं चाहूँगा। तो सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो भी यहाँ के लोगों के नसीब में अभी नहीं है, जो मलिन बस्तियाँ हैं उनमें मालिकाना हक की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है वो जारी है लोगों के बीच, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, मलिन बस्ती में रहते हैं वो मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, आपकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर यही परेशानी है कि
मकान तो बहुत है लेकिन पानी का कोई निकास नहीं है, जिससे सड़कों पे पानी इधर उधर फैला रहता है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी है। थोड़ी सी बारिश हुई तो सड़कों पे इतने पानी भर जाते हैं कि आसानी से निकलना मुश्किल हो जाता है। पानियों की व्यवस्था नहीं है निकलने की, नालियाँ फुल होती हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तो वो एक गंदी नालियों का पानी ही रोड पे आके पूरा रोड को भी बेकार कर रहा है। आपकी क्या कुछ समस्या, आप क्या चाहते हैं कि घोषणा पत्र जो आए वो जनता का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए? जनता का घोषणा पत्र तो ये हो कि गरीब जो है वो गरीब ना रहे, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हो वो गरीब को दी जाएं, अमीर तो अपनी उसको पूरा कर लेता है। तो हर गरीब के पास एक मकान होना आवश्यक है, हर गरीब का बच्चा जो है वो पढ़े, और उनकी जब बच्चियों की शादियां होती है तो गवर्नमेंट जो ये मनी निकाल रही है वो उन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसानों पर जो उन्होंने टैक्स माफ़ की उम्मीद लगाई है किसानों ने, तो आप ये देखें कि जिसने 5 लाख लोन लिया है उसका भी टैक्स माफ़ हो रहा है, किसी बेचारे ने 1 ही लाख लिया है उसका भी हो रहा है। तो उसका एक मापदंड हो कि सबको इक्वल वो मिले। तो हम तो यही करेंगे कि आगे जो मोदी जी का वो है कि हम एक डिजिटल वो बनाएंगे, तो ग्रामीणों में जाकर के उसकी जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनसे उन गांव वालों को उससे बताया जाए कि क्या लाभ है। तो जब हम इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे तभी देश भी प्रगति करेगा, और स्वच्छ रहने के लिए गलियां स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। और जहां तक कैंप का है, हम तो यही चाहेंगे कि जब यहां से कोई भी निकले तो उसे ये लगे कि हम बहुत अच्छे क्षेत्र में गए हैं, इसकी सड़कें बहुत अच्छी हैं। मेरे को 14 साल हो गए यहाँ बस्ती में रहते हुए और अभी तक हमको मालिकाना हक नहीं मिला, और सड़कों की तो हमेशा से समस्या रही है। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, बारिश में ऐसा होता है काफ़ी समय तक स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, क्यों पानी भरा रहता है रोड में। तो हम यही कहेंगे कि अब जो भी हो, मतलब सरकार जिसकी भी बने, और रोड की और हमको मालिकाना हक दे। आप सब भी बस्ती से हैं तो आप लोग की क्या समस्याएं हैं? यही समस्या हमारी कि गरीब लोग हैं, उनका मकान नहीं है, किराए पर गुजर कर रहे हैं, तो कहाँ से क्या करें, ये गरीबी का हाल है। यही समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से खिलाएं पहनाएं, बस यही समस्या। सरकार से आप क्या कुछ चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गरीबी थोड़ी हल हो तो बच्चे हमारे भी पढ़ लिख जाएं, कुछ बने। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो जनता के हित में हो, जो भी वो काम करे वो जनता के हित में ही काम करे। दूसरी बात है, बिजली का बिल जो है ज़्यादा आ रहा है लोगों को, ये बिजली का बिल कम होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो एक झोपड़ी में रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए बड़ा एक हॉल होना चाहिए ताकि वो व्यवस्था अच्छी तरह विस्तृत रूप से वो कर सके। और दूसरी बात है, और भी है, जैसे सड़कें बहुत ही गंदी है, और दूसरी बात है ये बारिश जब होती है तो पानी भर जाती है, तो निकासी व्यवस्था भी होनी चाहिए, सड़कें बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। आप यहीं पे बस्ती में ही पढ़ते हैं स्कूल में, तो आप क्या क्या परेशानी आपके लिए क्या है? ये हमारा तो यही मुद्दा है, क्योंकि हम सुबह स्कूल में आते हैं तो सुबह देखते हैं कि जूता साफ किया, पैंट साफ है, वाइट कलर कभी कभी चल जाता है, तो देखते हैं जैसे ही पैर बाहर रखा देखते हैं पानी ये चल रहा है, हमारा सफेद काला हो गया पूरा। तो सड़क नहीं बनी है, कच्ची सड़क है, वो एक बड़ी समस्या है। और जी, हम निर्धन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और लेकिन किताबों और कॉपियों का पेमेंट इतना भुगतान करना पड़ता है कि हमारे पापा की आधी तनख्वाह तो ऐसे लूट जाती है। और बस हमारे मम्मी पापा, हम 5 भाई बहन हैं और सभी 10th में पढ़ते हैं, और किताबों का बोझ इतना होता है कि पैसे देते देते हमारे मम्मी पापा वो पैसे खत्म हो जाते। इसलिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 8 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त हो, और सभी सरकार हमें कॉपी किताबें फ्री में दें। तो रुद्रपुर शहर के ट्रांजिट कैंप यानी मलिन बस्ती का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है, लोगों की समस्याएं कुछ ऐसी वो चाहते हैं, उनके जो मैनिफेस्टो हो, हमने आपको सीधे उन्हीं से बात करके दिखाया कि किस तरह का उनका मैनिफेस्टो हो।